हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वाई टी के टेक्निकल। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोविड-19। सो विदाउट वेस्ट द टाइम लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कोरोना वायरस क्या है? ऑप्शन ए, यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है। ऑप्शन बी, यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी, केवल ए सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। इस क्वेश्चन का ये जवाब सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है, जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नया नाम क्या है? तो इस बीमारी का नया नाम है कोविड-19। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी वुहान, ऑप्शन डी तियानजिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वुहान। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए N1H1 इवोला, ऑप्शन सी SARS-CoV-2, ऑप्शन डी नीडो वायरस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है SARS-CoV-2, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1962। राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश में लिखा हूँ। विच वैक्सीन इज यूज्ड इन इंडिया फॉर कोविड-19? आंसर है टू अप्रूव्ड वैक्सीन्स कोविशील्ड्स एंड कोवैक्सीन। ये वैक्सीन का नाम है एक तो ये और कोवैक्सीन। वर्स शिप्ड अक्रॉस द कंट्री इन द डेज लीडिंग अप टू द स्टार्ट ऑफ द ड्राइव। तो वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वैक्सीन्स आर देयर फॉर कोविड-19 इन इंडिया? कोविड-19 में, सॉरी, इंडिया में कोविड-19 के लिए कौन सा वैक्सीन लाया गया है? तो इसका आंसर है कोशील्ड एंड कोवैक्सीन। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको ऑप्शन में टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज कोविड-19 स्टैंड्स फॉर? कोविड-19 में जो कोविड का फुल फॉर्म क्या है वो इस वीडियो में बताया गया है। तो को फॉर स्टैंड्स फॉर कोरोना एंड VI स्टैंड फॉर वायरस, डी फॉर डिजीज। तो इसका कोविड का ये फुल फॉर्म है, इसको आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इज द कोरोना वायरस डिजीज ए पेंडेमिक? इसका क्वेश्चन का आंसर है कोविड-19 कैन बी रिकरेक्टराइज एज ए पेंडेमिक। तो ये बिल्कुल सही है, कोरोना वायरस एक पेंडेमिक डिजीज कंसिडर करा गया है। क्वेश्चन नंबर, तो इस वीडियो में इतने 9 ही क्वेश्चन थे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को साथ में शेयर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।